एक समय की बात है, ऊबड़ खाबड़ चट्टानों और गरजती लहरों के बीच बसे एक छोटे से तटीय शहर में जैक, एमिली और बेन नाम के साहसी बच्चों का एक समूह रहता था। वे अपनी बहादुरी और जिज्ञासा के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहते थे। एक धूप भरी दोपहर में चट्टानी तटों की खोज करते समय उनकी नजर चट्टानों के बीच फंसे एक पुराने मौसम की मार झेल रहे मानचित्र पर पड़ी। यह उम्र के साथ पीला पड़ गया था और रहस्यमय प्रतीकों से चिह्नित हो गया था। खजाने की संभावना से उत्साहित होकर बच्चों ने कैप्टन किड के प्रसिद्ध खोए हुए खजाने की खोज में मानचित्र के सुरागों का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उनकी यात्रा उन्हें घने जंगलों, घुमावदार नदियों के पार और गहरी छिपी गुफाओं में ले गई। रास्ते में उन्हें चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके साहस और दृढ़ संकल्प की परीक्षा ली। लेकिन प्रत्येक चुनौती के साथ वे दोस्त के रूप में करीब आ गए और खजाने को खोजने के लिए और अधिक दृढ़ हो गए। अंततः कई दिनों की खोज के बाद वे मानचित्र पर अंकित एक एकांत समुद्र तट पर पहुंचे। वहां रेत के नीचे दबे हुए उन्हें अलंकृत नक्काशी से सजा हुआ एक जंग लगा हुआ पुराना संदूक मिला। कांपते हाथों से उन्होंने संदूक खोला और सोने के सिक्कों, चमचमाते गहनों और प्राचीन कलाकृतियों की एक चमकदार श्रृंखला दिखाई दी। खुशी से अभिभूत होकर बच्चों ने अपनी अविश्वसनीय खोज का जश्न मनाते हुए नृत्य किया और हंसे। लेकिन उनकी खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई जब उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं जिन्हें खजाना मिला है। कुख्यात कैप्टन ब्लैकबियर्ड के नेतृत्व में लालची समुद्री डाकुओं का एक समूह हमले के लिए सही समय की प्रतीक्षा में उनका लगातार पीछा कर रहा था। एक साहसी मुकाबले में बच्चों ने समुद्री डाकुओं को परास्त करने और खजाने की रक्षा करने के लिए अपनी बुद्धि और चालाकी का उपयोग करते हुए बहादुरी से अपनी जगह बनाई। कुछ मित्रवत डॉल्फिन और चतुराई से तैयार की गई योजना की मदद से वे कैप्टन ब्लैकबियर्ड और उसके दल को मात देने में कामयाब रहे और उन्हें क्षितिज में भागने के लिए भेज दिया। समुद्री डाकू पराजित हो गए और खजाना सुरक्षित रूप से उनके कब्जे में आ गया। बच्चे नायक के रूप में घर लौट आए। उनके दिल उनके महाकाव्य साहसिक कार्य की यादों से भर गए और यद्यपि उन्हें अपने सपनों से परे धन मिल गया था, वे जानते थे कि सच्चा खजाना वह दोस्ती और बंधन है जो उन्होंने साझा किया था।